ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। अंकित का बचपन से ही सब लोग मजाक उड़ाया करते थे। स्कूल के बाद कॉलेज और हॉस्टल तक उसका जीना मुश्किल था दबंग लड़कों की वजह से। हमेशा से अंकित पढ़ाई लिखाई में ही ज्यादा रहता था। दूसरे लड़कों की तरह लड़ाई झगड़े मारपीट में कभी नहीं पड़ता था। वो अंकित को कभी भी कोई भी लड़का मार देता। स्कूल में उससे जबरदस्ती होमवर्क और कॉलेज में असाइनमेंट्स उससे करवाना दूसरों के लिए आम बात थी। बड़ी मुश्किल से हॉस्टल से दूर एक पीजी मिला था उसे। पीजी भी मन का ही था। उसके अलावा सिर्फ मकान मालिक और उसका 7 साल का बेटा ही थे वहां। उनकी बीवी की मौत साल भर पहले ही हुई थी। एक अकेलापन दूर करने का साथी उन्हें भी चाहिए था और अंकित को भी। इसलिए अपने घर का एक कमरा उसे दे दिया मकान मालिक ने। छोटा सा कमरा था जिसमें 2 बेड थे। सर के ठीक पीछे ऊपर दीवार पर एक बड़ा सा आईना था। सामने बड़ा सा टीवी और उसके बिस्तर के दाहिने तरफ कोने में बाथरूम था और 2 बड़ी-बड़ी खिड़कियां थी। पहला ही दिन था अंकित का उस पीजी में। आज कॉलेज से लौट के उसने देर शाम तक पढ़ाई करी और उसके बाद खाना खा के सुकून से लेटकर टीवी देख रहा था अंकित। और सुकून इस बात का था कि अब कोई भी सीनियर देर रात उसका जीना दुश्वार नहीं कर सकता उसे डरा धमका के। टीवी देखते देखते अचानक अंकित उछल के बिस्तर से खड़ा हो गया, क्योंकि उसका बिस्तर जोर जोर से हिल रहा था। टीवी म्यूट किया तब जाके अंकित की कहीं जान में जान आई। घर के पास ही रेलवे लाइंस थी जहां से ट्रेन जाते वक्त ऐसे बिस्तर का हिलना लाजमी था। साइंस का होनहार स्टूडेंट अंकित इतना तो समझता ही था। उसने मुस्कुरा के अपनी बेवकूफी पे मन ही मन अपना मजाक उड़ाया और फिर लेटा और टीवी देखने लगा। टीवी देखते देखते उसे नींद सी आई तो उसने टीवी बंद कर दिया। पता नहीं कब उसकी आंख लगी, लेकिन कुछ देर के बाद ही उसकी आंख खुली, वो भी एक आवाज से। इस बार उसका नहीं बगल वाला बिस्तर हिल रहा था। अंकित ने ध्यान से सुनने की कोशिश की, लेकिन इस बार ट्रेन के जाने की कोई आवाज सुनाई नहीं दी उसे। अंकित का गला इतने में ही सूख चुका था। वो कुछ भी करे इससे पहले ही एक आवाज हुई। अंकित भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करता था, लेकिन काफी घबरा जरूर गया था। उसने टीवी थोड़ी तेज आवाज पे चलाकर अपनी नींद उड़ाने की कोशिश करी। रात का वक्त था, आखिरकार नींद तो आनी ही थी। आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी तो टीवी ऑफ करने की सोच ही रहा था अंकित, जब अपने आप ही टीवी बंद हुआ। उसी नींद भरी आंखों से अंकित ने देखा कि टीवी की बंद पड़ी स्क्रीन पर किसी की परछाई दिख रही है। अंकित ने आंखें मल के देखा कि वहां कोई परछाई नहीं थी। इतना सब कुछ होने से अंकित बहुत घबरा गया था। वो तुरंत उठा
और बाथरूम के अंदर गया मुंह हाथ धोने के लिए। अपना मुंह हाथ धोकर जैसे ही वो बाहर आया और उसने बाथरूम की लाइट्स ऑफ की तो शीशे में उसने देखा कि जिस टीवी को वो ऑफ करके गया था वो टीवी अपने आप ही चल रहा था। अंकित ने पता नहीं क्या सोचा, उसने इस बार टीवी को बंद नहीं किया, चुपचाप बैठ के बस कभी टीवी, कभी शीशे को तो कभी अपने कमरे को देखता रहता। बैठे बैठे अंकित अपनी फूटी किस्मत को कोस ही रहा था कि तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। अंकित ने पलट के देखा तो लगा जैसे दरवाजा हवा से खुला होगा। बाहर मौसम खराब था ही, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया और टीवी की ओर लगातार देखता रहा। थोड़ी ही देर में ऐसा लगा जैसे कोई और भी उसके साथ उस कमरे में है, क्योंकि बाथरूम का दरवाजा एक बार फिर हल्का सा खोला लेकिन पूरा बंद नहीं हुआ। अंकित ने कमरे की रोशनी में साफ साफ देखा पानी से बने पैरों के निशान बाथरूम से शुरू होकर उसके बगल वाले बिस्तर तक आए। बिस्तर का गद्दा हल्का सा धंसा, जैसे कोई उस पर आकर के बैठा हो और फिर लेट गया हो। अंकित बस देखता ही रहा एक मूरत सा बन के, पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसी हालत में उसके मुंह से चीख ना निकल के बस एक ही सवाल निकला, क्या तुम भी मेरी तरह अकेले हो? कि ठीक तभी एक हल्की सी आवाज हुई। ऐसा लगा जैसे किसी ने करवट सी बदली हो। अंकित को किसी जवाब की उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन वो शायद जानता था कि उसे सिर्फ इंसानों से खतरा है, हवाओं से नहीं। तेज हवाओं के बाद अब काफी जोर की बरसात हो रही थी। अंकित भी लेटे लेटे अब झपकियां ले रहा था, उसे ठंड लग रही थी तो चादर ओढ़ ली थी उसने, लेकिन खुली खिड़की की हवा से बार बार लड़ने की आवाज और खिड़की से आती बारिश की बूंदों की वजह से आती हुई नींद में भी वो सो नहीं पा रहा था। अंकित बार बार कभी इधर तो कभी उधर करवट ही बदले जा रहा था और मौसम ऐसा था कि उठने का दिल भी नहीं कर रहा था उसका। लेटे लेटे उसी हालत में सोने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसने सुना, ऐसा लगा जैसे उसके बगल के बिस्तर से कोई उठा और उसके बाद पहले खिड़की का दायां और फिर बायां पल्ला किसी ने खींचा और खिड़की की कुंडी लगा दी। कुछ देर में अंकित गहरी नींद में सो गया। उसकी नींद सुबह खुली एक अजीब सी आवाज से। अंकित ने उठ के देखा कि बाथरूम का दरवाजा बंद पड़ा था। उसे लगा शायद मकान मालिक के बाथरूम में कोई दिक्कत होगी, इसलिए वो उसके बाथरूम का इस्तेमाल करने यहां आए हैं। अंकित ये सोच ही रहा था कि तभी उसने पलट के देखा कि बाथरूम का दरवाजा हल्का सा खोला और उसके बाद
उसके बगल वाले बिस्तर तक। एक बार दोबारा पानी से पैरों के निशान बने। अंकित को न जाने क्या सूझी कि वो तुरंत बाथरूम के अंदर गया। वहां गया तो पूरे वॉश बेसिन में कटे और कुतरे हुए बाल के टुकड़े बिखरे पड़े थे।